हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी कोच 91 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग भाई मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में उसी अपडेट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो अपडेट आ रही है वो हिंदुस्तान की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप लोग देखना चाहते तो देख सकते हैं, अदरवाइज शायद आज न्यूज़पेपर में भी आया होगा। फिलहाल मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में कि आज न्यूज़पेपर में आया था या नहीं आया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये हिंदुस्तान की वेबसाइट पे मिल जाएगा अगर आप लोग सर्च करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, ये अपडेट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। हिंदुस्तान टीम सीतापुर की 10 फरवरी 2022 11:45 को रात में ये जो है पोस्ट डाली गई थी। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें इसकी मेन हेडिंग की, तो मेन हेडिंग दी गई है दसमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 21 फरवरी तक आवेदन। ठीक है, इसमें लिखा गया 21 फरवरी तक आवेदन। भाइयों बने रहिए आप सभी लोग साथ में, आप लोगों को हर एक पॉइंट अपडेट में आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो चलिए विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सीतापुर शैक्षिक सत्र 2021-22 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत कक्षा 11-12 सहित अन्य दसमोत्तर कक्षाओं से संबंधित छात्रों के लिए आवेदन, छात्रवृत्ति वितरण तथा अन्य कार्यों के लिए तृतीय चरण की जो समय सारणी है वो जारी की गई है। ठीक है, इसके बाद में दिया गया, जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि कक्षा 11, 12 व अन्य पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं के लिए संदेहास्पद डाटा को कार्डों सहित छात्र विद्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित किए जाने एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्रों द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन ऑनलाइन सबमिट किए जाने के लिए 11 से 21 फरवरी तक की अवधि निर्धारित की गई। यानी कि दोस्तों आप लोग की स्कॉलरशिप करेक्शन के लिए 11 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक की डेट जो है वो निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया है कि छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कॉपी आवेदन पत्र भरने के 3 दिन के अंदर शिक्षण संस्थान में जमा किए जा सकेंगे। ठीक है, जब भाई आप लोग ऑनलाइन फिल कर दीजिएगा, फिर 3 दिन के अंदर आप लोग जो भी आप सही किएंगे, जो भी आप करेक्शन करेंगे, उसकी हार्ड कॉपी लगा करके और साथ में फॉर्म को ले जा करके अपने कॉलेज में आप लोग जमा कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है 12 से 28 फरवरी तक छात्र द्वारा सही किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा जो है मिलान किया जाना है एवं ऑनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना सत्यापित एवं अग्रसरित किए जा सकेंगे। ठीक है, 12 से 28 तारीख के बीच में दोस्तों उसके आगे का काम होगा। ठीक है, आप लोगों का जो काम है कि आप लोगों को भाई अपनी 11 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में ऑनलाइन करेक्शन करके अपनी हार्ड कॉपी जो है कॉलेज में पहुंचा देना है। अगर आपको करेक्शन करना है, अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग 21 तारीख की वेट ना कीजिए। आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्शन करके हार्ड कॉपी जो है कॉलेज में जमा कर दीजिए। उसके बाद में दिया गया, उन्होंने जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं उनमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि निर्गत समय सारणी के अनुसार अपने स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करें। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आप सभी लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट जो कि दोस्तों सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की है। फिलहाल ये भी यूपी की है और ये भी यूपी स्कॉलरशिप की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी छात्र यूपी स्कॉलरशिप की हैं, अगर उनको करेक्शन करना है तो 11 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक पोर्टल खुला है, आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। आप लोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे अपनी, चाहे आप रिन्यूअल के छात्र हों या फिर फ्रेश के हों, ठीक है, लॉगिन करेंगे, अगर आप लोग अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपका संशोधन करने के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए नीचे जो है लिंक आ चुका है, आवेदन पत्र को संशोधित करें। ठीक है, आप लोग यहां पर क्लिक करके अपना जो है आवेदन पत्र यानी फॉर्म को जो है संशोधित कर सकते हैं, यानी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों इस वीडियो में यही। अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्त के भी साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई लगभग 80% छात्र ऐसे हैं जो वीडियो को रेगुलरली देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।